नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट ऑर्गन आई के बारे में कि आई जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। आज मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ जो आंखों में होने वाली जो दूरदृष्टि दोष है या फिर दृष्टि दोष है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इम्पेयर्ड विजन या फिर रिफ्रेक्टिव इरर्स क्या है? रिफ्रेक्टिव इरर्स में आपके आते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिगमेटिज्म। ये तीन तरह के होते हैं आपके रिफ्रेक्टिव इरर्स। तो सबसे पहले ये रिफ्रेक्टिव इरर क्यों होते हैं? तो रिफ्रेक्टिव इरर उस कारण से होते हैं जब हमारा जो आई बॉल है जिसका आकार या तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है या फिर एक नॉर्मल आकार से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये इसके कारण से जो हमारा रेटिना है और जो प्रकाश की दूरी है वो अलग अलग हो जाती है। तो जब प्रकाश जो है रेटिना पर या तो आगे पड़ता है या तो पीछे पड़ता है, उसकी वजह से ये रिफ्रेक्टिव इरर्स होते हैं जो कि आई बॉल का आकार अलग अलग होने के कारण से होता है। चलिए हम बात करेंगे कि नॉर्मल आई क्या है या फिर इममेट्रोपिया क्या है। इममेट्रोपिया इसमें क्या होता है, जिसमें हमें कोई लेंस लगाने की जरूरत नहीं होती है या कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है दूर के देखने के लिए, पास के देखने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारा नॉर्मल विजन कहलाता है, जिसमें हम ना कोई सिलेंड्रिकल नंबर यूज करते हैं, ना कॉन्वेक्स लेंस, ना कॉन्केव लेंस, कुछ भी नहीं, वो इममेट्रोपिया कहलाएगा। अब हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें पास की वस्तुओं का विजन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो ब्लर दिखाई देती है या साफ दिखाई नहीं देती है। मायोपिया में जो भी लाइट रेस है वो हमारे रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले उसका जो प्रतिबिंब है या इमेज है वो पहले बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट है हमें या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता है। आपको समझ में आया होगा कि मायोपिया क्या है और इसमें ज्यादातर इसको ठीक करने के लिए या इस रिफ्रेक्टिव इरर को ठीक करने के लिए माइनस नंबर्स का यूज किया जाता है। अगर आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आप उसको बहुत अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इसे हम फॉर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो लाइट रेस है उसका इमेज रेटिना के बाद में या रेटिना के पीछे पड़ता है, जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं तो बहुत अच्छे से दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुओं का जो विजन है वो ब्लर हो जाता है और हमें पास की वस्तुएं दिखाई अच्छे से नहीं दे पाती है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी एस्टिगमेटिज्म के बारे में कि एस्टिगमेटिज्म क्या है। एस्टिगमेटिज्म में नॉर्मली ये होता है कि जो रेटिना होता है या रेटिना का जो पार्ट होता है वो कर्व होता है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इस कर्व होने के कारण जो हमारा लाइट रेस जो पहुंचना चाहिए एक ऑब्जेक्ट पर, वो एक ऑब्जेक्ट पर ना पहुंच के वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर पहुंचता है क्योंकि इसका जो रेटिना है वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है, जिससे कि डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब दूसरे अलग अलग जगह पर उसका जो इमेज है या प्रतिबिंब बनता है। तो ये था आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिगमेटिज्म। ये तीन तरह के रिफ्रेक्टिव इरर्स है जो हमारी आंखों को हो सकते या हमारी आंखों में हो सकते हैं, जिसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है इसमें। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको एक रिफ्रेक्टिव इरर को ठीक करके आपको दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक विजन टेस्ट की जरूरत होगी जो कि आपको वहां पर करना होगा, या फिर आपको बार बार चश्मे का नंबर चेंज करके या फिर बार बार उसको आपको पहना करके वो दिखाकर आपको एक स्पेसिफिक नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे या स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट लेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। रिफ्रेक्टिव इरर्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।